हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? तो अभी मैं जस्ट अपने ब्लॉग को ही देख रहा था, क्योंकि 11 बजे डेली रिलीज हो जाता है हमारा ब्लॉग। तो अभी मैं अपने ब्लॉग को ही देख रहा था। पता है, आप जो करते हो ना, आप उसे एक बार देखो, तब जाके आप डेली बाई डेली इम्प्रूवमेंट लेके आ पाओगे अपने ब्लॉग में। आप जो भी करते हो पहले खुद देखो, अगर खुद संतुष्टि मिलती है तो बाकी लोग भी संतुष्ट हो सकते हैं। और अभी चलते हैं एक जगह और चल के आपको दिखाते हैं, काफ़ी खूबसूरत जगह है वो, और आपके लिए पैदल चलते हैं। यार लाइक सब्सक्राइब तो कर दिया करो कम से कम चैनल्स को, आप सब्सक्राइब नहीं करते यार, दिल से बुरा लगता है भाई। और चलते हैं, फाइनली आपको दिखाते हैं काफ़ी खूबसूरत जगह यार, मतलब मेरा फेवरेट है, आप देखेंगे तो आपका भी फेवरेट हो जाएगा। तो चलते हैं वहाँ पर। और अभी मैं जा रहा था, जस्ट दादी को देखा, मेरा ध्यान अचानक से उनके पे पड़ा और मैं हैरान हो गया कि यार मंदिर के अंदर कौन है, मतलब मूर्ति के अलावा इंसान कौन बैठा हुआ है। फाइनली अभी मैं जस्ट पहुंचा हूं, आगे चल के आपको दिखाते हैं, बहुत अच्छी लोकेशन है। अभी जस्ट आया हूं तो आगे चल के आपको दिखाते हैं। ये रही वो जगह, काफी खूबसूरत जगह है यार, मतलब मुझे पर्सनली पसंद है ये चीज, ऐसे जगहों पे घूमना, और शायद इसलिए ही मैंने चुना इसको। मतलब क्या व्यू है, वाह मज़ा आ जाता है वास्तव में। पता है, जब भी मैं ट्रेवलिंग करता हूँ या कहीं घूमने जाता हूँ तो मुझे पर्सनली मज़ा आता है ऐसे जगहों पे जाने के बाद, क्योंकि मुझे पसंद है घूमना यार। और ये है दीवारें जिस पे कुछ सांस्कृतिक टिप्पणियाँ की गई हैं, तो अच्छा लगता है थोड़ा सा, जब भी जो भी टूरिस्ट आते हैं पढ़ते हैं इसको। यार ऐसे पानी में पैर धुलने का मज़ा ही अलग है ना, यू यार हिल रहा है ये, कोई नहीं पैर धुल लेते हैं थोड़ा सा इसमें। और आप नाव पे बैठे हो कि नहीं कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि पता है नाव पे यार जब बीच पानी में जाता है ना बहुत डर लगता है मुझे तो, लेकिन फिर भी मज़ा बहुत आता है। आप बैठे हो कि नहीं कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और ये रहा शंकर भगवान का हाथ, ऐसे अच्छा डिज़ाइन किया गया और देखने में भी काफ़ी अच्छा ही लग रहा है। बाकी आप बताना, थोड़ा सा और अंधेरा होगा ना काफ़ी क्यूट दिखेगा भाई ये, मतलब इतना मस्त दिखता है ना, जो फील आता है समझ नहीं सकते। और पब्लिक की भीड़ तो पूछो नहीं, वैसे थोड़ा सा तभी टेंशन में हो, घूमने के लिए ऐसे जगह होने चाहिए यार जहाँ थोड़ा सा जाके आप रिलैक्स फील कर सको। अभी चलते हैं और आपको ऊपर दिखाते हैं सारी चीज़ें वो, और क्या व्यू है भाई, मस्त एकदम यार, मतलब वास्तव में जो व्यू है ना लाजवाब है वो। मुझे तो मज़ा आ रहा है, आप इंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कमेंट में ज़रूर बताना मुझे, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। छोटी सी ट्रेन, क्या इंजॉय कर रहे हैं बच्चे। इंजॉय बच्चे ही कर रहे हैं, वास्तव में काफ़ी मज़ा आ रहा है यार यहाँ पे। और मैं भी थोड़ी देर बैठा हूँ और फिर और भी चीज़ें आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा जब अंधेरा होगा ना और भी काफ़ी खूबसूरत दिखेगा, तो आपको दिखाते हैं। पूरा ब्लॉग मिस मत करिएगा, एक मिनट भी आप अगर स्किप किए ना तो बहुत बड़ी चीज़ आप खो देंगे। तो विदाउट स्किप किए आप वीडियो को पूरा देखिए और मेरे साथ आप भी इंजॉय करिए। अभी चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको सारी चीज़ें, क्या क्या कैसे कैसे हैं सब कुछ, और ये सारी चीज़ें मेरे पीछे हैं जो भी हैं, अच्छा लग रहा है यार। आगे एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ, ये रहा बच्चों का एंजॉयमेंट, ये व्यू यार गजब का है, मतलब लाजवाब, मज़ा ही आ गया बात। और भी आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको सारी चीज़ें, क्या क्या हैं कैसे कैसे हैं सब कुछ आपको दिखाते हैं आगे चल के। वास्तव में यार मस्त व्यू है, मस्त मज़ा आ रहा है। ये व्यू अच्छा है भाई, एक एक नहीं दो दो, सही है।
बात बताओ, कंटेंट तो मैं नया देता हूँ, आप यार कमेंट नहीं करते, लाइक नहीं करते, और सबसे बड़ी बात चैनल को आप सब्सक्राइब भी नहीं करते। यार चैनल को तो कम से कम सब्सक्राइब करो आप लोग, कंटेंट तो हर रोज नया देते हैं। हाय हाय करो, सबको हाय करो। क्या चीज़ ये मस्त लग रहा है, बोले इतने शाम होने के बाद और ज्यादा छक्कास लगता है, मतलब बोले तो छक्कास, मतलब पूरी जगह काफ़ी खूबसूरत लगती है शाम होने के बाद, वास्तव में भाई मज़ा आ जाता है यहाँ पे। तो अभी चलते हैं यहाँ से, अब घर बहुत हो गया यार, और कुछ काम दाम भी है, तो चलते हैं अब यहाँ से। ये मेरे पीछे का पूरा व्यू, और फिर यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं घर। कुछ ऐसा लगता है आगे से देखने के बाद। और अभी मैं पैदल नहीं जाऊंगा, अभी लेते हैं ऑटो, क्योंकि यार 5 किलोमीटर पैदल चल के आया था, काफ़ी थक गया हूँ, तो अभी ऑटो लेते हैं और चलते हैं फटाक से। पैदल जाने से बढ़िया बैठ के चले ऑटो। और अभी मैं आ चुका हूँ घर, और इस ब्लॉग को करेंगे एंड। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ यार सब्सक्राइब करोगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं आगे और भी बढ़िया बढ़िया ब्लॉग आपको दूंगा। बहुत ज़्यादा ट्रेवल करने वाला हूँ, बहुत अच्छी अच्छी ब्लॉगें देने वाला हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए, अपने भाई को मोटिवेट करने के लिए।